सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गिरिडीह जिले में झारखंड सरकार के द्वारा प्रस्तावित नियमावली व वेतन मान की स्वीकृति नहीं मिलने से पारा शिक्षक एक बार फिर सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन का हुंकार भरने के लिए रविवार को स्थानीय झंडा मैदान गिरिडीह में जिला स्तरीय बैठक जिला अध्यक्ष नारायण महतो की अध्यक्षता में की। वहीं बैठक का संचालन मनोज कुमार शर्मा ने किया। पारा शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष नारायण महतो ने बताया कि बैठक में पारा शिक्षकों की स्मिता की हिफाजत के लिए आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी, जिसे पूरे राज्य के 65,000 शिक्षकों का भाग्य कैसे सुरक्षित रहे इस कल्याणकारी दिशा में निर्णायक कदम उठाए जाएंगे। झारखंड सरकार से अंतिम लड़ाई का विमोचन किया जाएगा। साथ ही राज्य स्तरीय कमेटी के निर्णय, सभी जिलों में धरना प्रदर्शन आयोजित कर आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की जाएगी तथा सभी सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास पर वादा पूरा करो प्रदर्शन तथा 24 जनवरी को झारखंड के सभी मंत्रियों के आवास पर न्याय व अधिकार दिलाओ नारा के साथ आंदोलन किया जाएगा। वहीं मौके पर उमेश राय, सुधीर प्रसाद, महेश कुमार, विशाल चंद्र यादव, शिव शंकर उपांशु दास, नारायण दास, अशोक जी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। गिरिडीह से नवाज राजा की रिपोर्ट। हर सरकारों ने हम लोगों के साथ चलने का काम किया है। इसके पहले भाजपा की सरकार आई, उन्होंने भी वादा किया था कि भाजपा की सरकार बनती है, बहुमत की सरकार बनती है तो हम पारा शिक्षकों को वादा पूरा करेंगे। लेकिन जब भाजपा की बहुमत की सरकार बनी, उन्होंने अपने वादा से मुकर गए और जब हम लोगों ने अधिकार मांगने के लिए गया तो लाठी और गोली हम लोगों को मिला, जिसका परिणाम हुआ कि राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों ने उग्र आंदोलन किया और उस तानाशाही सरकार को नस्तनाबूद करते हुए सत्ता से बेदखल किया। माननीय राज्य के मुखिया अभी जो वर्तमान में है, इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये जिक्र किया था कि हम पारा शिक्षकों को 3 माह के अंदर, यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो 3 माह के अंदर हम जो है ना स्थायीकरण वेतन मान देंगे। अगर ये भी सरकार नहीं करती है, ऐसे सरकार को भी हम लोग झारखंड से उखाड़ फेंकेंगे। ये पारा शिक्षकों का इतिहास रहा है, ये झारखंड का भी इतिहास रहा है और आप लोगों का सहयोग, मीडिया का सहयोग से ही हम लोगों ने ये सब कर पाया है। सारी पारा शिक्षक आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि सरकार जो पारा शिक्षक के साथ वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सब पारा शिक्षक की जो जायज मांगे हैं वेतन मान और स्थायीकरण करेंगे। आज इसी के समक्ष झंडा मैदान में पारा शिक्षकों की बैठक हुई और हम सब वर्तमान सरकार माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार को यह कहना चाहता हूँ कि राज्य के पारा शिक्षक गरीब मजदूर किसान के बेटे हैं जो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, लगातार 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं और बहुत से ऐसे मेरे पारा शिक्षक हैं जो अपनी उम्र को इसी पारा शिक्षक के कार्य में लगा दिए हैं। इसलिए सरकार से हम सब चाहते हैं कि जो हमारी मांग है उसको सरकार पूरी करे। साथ ही आंदोलन के लेकर जो अष्टमंगल के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित तौर पर वह जो आंदोलन है बिना सोचे समझे जो है राज्य के पारा शिक्षकों को थोपने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए जब तक अष्टमंगल के वो सदस्य गंभीर विषय से चर्चा नहीं करेंगे और गिरिडीह के जिला अध्यक्ष श्री नारायण महतो जी को अष्टमंगल में शामिल नहीं करेंगे, हम लोग विधायक आवास और सरकार के विरुद्ध अभी जो आंदोलन है नहीं करने का निर्णय लेते हुए आज की बैठक को स्थगित करते हैं।